हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द BinaryTube प्रयागराज। दोस्तों, हम लोग सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देख रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने देखा आउटपुट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट फंक्शन, मतलब प्रिंटफ के बारे में। दोस्तों, प्रिंटफ में हमने देखा कि प्रिंटफ को हम तीन तरीके से यूज कर सकते थे और प्रिंटफ से चीज़ों को हम प्रिंट कराने का यूज करते थे। उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि हमारा इनपुट फंक्शन क्या है। इनपुट फंक्शन के बारे में देखते हैं तो इनपुट कराने के लिए, इनपुट कराने का मतलब कोई भी डेटा होगा हमारा, उस डेटा को हमें यूजर के लिए देना, प्रोग्राम में देना, उस पर कोई ऑपरेशन कराना ही क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। किसी डेटा पर कोई काम कराने के लिए हम इनपुट का यूज करते हैं। इनपुट के लिए हमारा एक फंक्शन यूज होता है, स्कैन ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज होता है दोस्तों? स्कैन ऑफ फंक्शन। स्कैन ऑफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्कैन ऑफ हमारा क्या है। स्कैनअप एक हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है दोस्तों। दूसरी बात, यह कोई कीवर्ड नहीं है। तीसरी बात दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्कैनअप हमेशा किस में लिखा जाएगा, लोअर केस में लिखा जाएगा। स्कैन ऑफ वर्ड जो है ये हमेशा कैसे लिखा जाएगा, लोअर केस में लिखा जाएगा। और इसके साथ ये जो सिंबल लगा है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो दोस्तों, ये रही स्कैन ऑफ की बात। स्कैन ऑफ इज अ कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ प्रिंट ऑफ फंक्शन। प्रिंट ऑफ फंक्शन के साथ, प्रिंट ऑफ फंक्शन की तरीके से स्कैन ऑफ फंक्शन भी हमारा एक क्या है, फंक्शन है। प्रिंट ऑफ हमारा आउटपुट के लिए यूज होता है और स्कैन ऑफ हमारा इनपुट के लिए यूज होता है। देखो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि हम डेटा का जो डिक्लेरेशन होता है, डेटा का जो इनिशियलाइजेशन की जब हम बात कर रहे थे, तो डेटा का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है। अब इस बात को हम और ज़्यादा ब्रीफली करते हैं। डेटा का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तरीका हमने देखा था ऑन टाइम। क्या देखा था दोस्तों? ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन। जो दूसरा हमने देखा था वो था रन टाइम इनिशियलाइजेशन। देखो दोस्तों, अब इस पर हम थोड़ी सी ब्रीफ वाली बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके एग्जांपल को हम देखेंगे बारी बारी से, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इसका यूज कैसे होता है। प्रिंटअप स्कैनअप में उनकी प्रॉब्लम सारी, उनकी पूरी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से पढ़ने से लेकर एंडिंग तक में वो इसी में फंसे रह जाते हैं और उनका कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं हो पाता। तो देखो, जैसे मान लेते हैं प्रोग्राम हम बनाते क्यों, हमें सॉफ्टवेयर बनाना होता है। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर हम अपने खुद बनाने के लिए, खुद चलाने के लिए तो बनाते नहीं हैं। बात को समझिए आप, सॉफ्टवेयर हम खुद चलाने के लिए तो बनाते नहीं, हमें चलवाना होता है, हमें बना के दूसरे को बेचना होता है, फिर दूसरे किसी कंपनी के लिए बनाना पड़ता है। देखो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि हमने बोला कि आप ऐसा करिए, कैलकुलेटर बनाइए। आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं और उस कैलकुलेटर की खासियत ये हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, कि आप ऐसा कैलकुलेटर बनाएं जो कि किसी फिक्स नंबर पे काम करे। मतलब उस कैलकुलेटर में जब आप कोई बटन प्रेस करें, कुछ आप चाहें कि एडिशन दे, तो हमेशा केवल दो नंबर का एडिशन दे, हमेशा हर बार। और एक तो ऐसा कि जिस पर यूजर अपनी मर्जी से नंबर को इंटर करे और वो यूजर के अकॉर्डिंग दे। तो दो तरीके हुए आपके पास। आइए दोनों तरीकों को इससे कोऑर्डिनेट करते हैं कि क्या होता है। देखो, जो इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन वाली बात होती थी, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इंटीजर डेटा होता है, इंटीजर ए, जिसकी वैल्यू हमने रख दिया 5 और एक हमने रख दिया बी, बी इज इक्वल टू हमने रख दिया 7 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने लिखा एक कोई तीसरा वेरिएबल हमने ले लिया सी, सी के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है और हमने लिख दिया सी असाइनिंग टू ए प्लस बी। अब इसी पूरे कोड को आपने बना दिया सॉफ्टवेयर। अब जितनी बार ये प्रोग्रामर, ये यूजर क्या करेगा, इस कोड को रन कराएगा, तो सी का रिजल्ट कितना आएगा, 12 ही आएगा। कोई कितनी बार भी चलाए, सी का रिजल्ट आने वाला है 12 से ना तो 11 होगा ना तो 10 होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। फिक्स करने का मतलब, जब हमने वेरिएबल बनाया तो बनाते टाइम पे ही हमने वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कर दिया, डिक्लेयर करते टाइम पे ही हमने वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कर दिया।
इस तरीके के इनिशियलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। मतलब अगर इसकी मदद से हमारा कोई सॉफ्टवेयर बन गया, हमारा कोई कैलकुलेटर बना, तो कैलकुलेटर हमेशा जितनी बार भी कोई उसको चलाएगा उतनी बार ये क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। और सेम रिजल्ट देगा तो ये भाई जब कोई चीज़ वही चीज़ बार बार करे तो हर हर यूजर को हर कंपनी को सेम डेटा पे तो ऑपरेशन कराना नहीं है ना। आपको 3+2 का एडिशन कराना है, आपको किसी बड़े नंबर पे कराना है, किसी को किसी और पे कराना है। तो ये बात हमें ज़रा क्या करनी है, सोचनी है और समझनी है। तो इस तरीके से तो भाई काम चल नहीं पाएगा। हमें चाहिए क्या, हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर दें, हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें जिसके जरिए ऐसा हो कि हम केवल वेरिएबल बना दें और जब यूजर को जिस नंबर पर करना हो, जिस नंबर पर ऑपरेशन कराना हो, वो उस नंबर को अपने से एंटर करे। ये हुई ना वो दोस्तों बात। अब इसकी बात करते हैं ये काम कहाँ से पॉसिबल होता है, रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। तो देखो दोस्तों रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में हो सकता है ना है, लेकिन अपने टॉपिक को क्लियर रखिए। मान लेते हैं कि हमने क्या बनाया, मेन फंक्शन बनाया। और हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर ए और बी और सी। हमने ये क्या लिखा, इंटीजर ए बी सी। इंटीजर ए बी सी की बात करें तो ये तीन वेरिएबल बनेंगे। इससे क्या होगा, मेमोरी के अंदर तीन वेरिएबल बनेंगे ए बी और सी। तीनों के लिए दो दो बाइट की मेमोरी होगी। अब यहाँ पे ए बी सी के अंदर कोई डेटा नहीं रखा हुआ है, ए बी सी के अंदर कोई डेटा नहीं रखा हुआ है। ये डेटा केवल ना केवल किसके लिए यूज होगा, इसके जगह पे केवल प्रीडिफाइंड सॉरी गार्बेज वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक स्टोर हुई होगी। इस गार्बेज वैल्यू को रखा है, इस गार्बेज वैल्यू पे हमें क्या करना है, काम करना है। अगर हम एक मैसेज लिखते हैं प्रिंट ऑफ, क्या लिखते हैं प्रिंट ऑफ, और लिखें प्लीज इंटर एनी टू नंबर। अब जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि प्रिंटफ एक हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि किसी मैसेज को प्रिंट करता है, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सेम एज प्रिंट हो जाएगा। तो यूजर इस मैसेज को जब पढ़ेगा तो क्या करेगा, कोई दो वैल्यू देगा। जब कोई यूजर कोई दो वैल्यू देगा तो वो वैल्यू रखने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसी वैल्यू को रखने के लिए हम यूज किसका करते हैं, इस स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं। और इस तरीके से वैल्यू को लेना ही क्या कहलाता है, रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाता है। जबकि इन अदर हैंड दूसरे शब्दों में बात करें, अगर हम अगर कोई ऐसा बनाते हैं, हमने लिखा वाइड मैन, वाइड मैन, और हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए साइन इन टू फाइव इंटीजर बी असाइनिंग टू सेवन इंटीजर सी। देखो ये ऑन टाइम डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन, ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सी असाइनिंग टू ए प्लस बी हमने लिख दिया। और इतना लिखने के बाद हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। हमने जब प्रिंट कराया तो ये प्रिंट करेगा, हमने मान लेते हैं लिखा एडिशन इक्वल टू पर्सन साइन डी और हमने यहाँ पे लिख दिया सी। फिर हमने लगा दिया गेट सी एच फंक्शन और ये हो गया हमारा प्रोग्राम क्लोज। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब ये कोड चलेगा या फिर जितनी बार भी चलेगा तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा एडिशन इज 12, एडिशन इज इक्वल टू 12। सेम ऐसे प्रिंट हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई कितनी बार भी आप इस प्रोग्राम को चलाओगे हर बार यही रिजल्ट आने वाला है। जबकि यहाँ पे हर बार यूजर जितनी बार ये प्रोग्राम चलेगा इतनी बार ये मैसेज प्रिंट होगा और हर बार ये यूजर से क्या करेगा, हर बार ये यूजर से क्या करेगा, वैल्यू मांगेगा, डेटा को मांगेगा, तो यूजर उसको एंटर करेगा। तो देखो हमने देखा कि दो तरीके का इनिशियलाइजेशन, एक तो ऑन टाइम इनिशियलाइजेशन और रन टाइम इनिशियलाइजेशन। इन दोनों बातों को आप समझिए कि ऑन टाइम का क्या फायदा होता है और रन टाइम का क्या फायदा होता है। ऑन टाइम पर जब हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं तो पूरे प्रोग्राम के लिए फिक्स हो जाता है, फिर वो चेंज नहीं होता है। तो पूरे प्रोग्राम में अगर उसका कहीं पे यूज करेंगे तो वही सेम डेटा रहेगा और उस प्रोग्राम को कितनी बार भी यूज करेंगे उसी डेटा पे ऑपरेशन होगा। लेकिन
अगर हम रन टाइम का यूज करेंगे तो रन टाइम में क्या होगा, जितनी बार प्रोग्राम रन करेगा उतनी बार वैल्यू मांगेगा, उतनी बार वैल्यू की डिमांड करेगा, और जितनी बार वैल्यू की डिमांड करेगा उतनी बार हमें क्या कराना है, उस काम को कंप्लीट कराना है। तो ये बात हमें थोड़ा सा समझ के रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में हम केवल किसी एक का यूज करेंगे, हम तो क्या है, हमें जो मिलेगा जैसे मिलेगा जिस तरीके से हमारी मर्जी होगी उस तरीके का यूज करेंगे, समझेंगे सबको, जानेंगे सबको, लेकिन करेंगे वही जो हमारा मन होगा, जो हम जिसकी हमें जरूरत होगी। कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी ऑन टाइम की और कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, रन टाइम की। तो ये रही दोस्तों बात ऑन टाइम और रन टाइम की। अब आगे हम देखते हैं कि हम अपने वैल्यू का स्कैनर फंक्शन से वैल्यू को कैसे इंटर कराते हैं, इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्कैनर फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसे होता है, स्कैनर इसके बाद फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसके बाद ये एक सिंबल बनाते हैं जिसको हम समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं, वेरिएबल नेम। कई ढेर सारे हो सकते हैं और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कई ढेर सारे हो सकते हैं। दोस्तों ये रहा इसका सिंटैक्स। जैसा कि हमें पता है स्कैनफ एक क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, डबल को पैरेंथेसिस के अंदर हमने डबल कोट लगाया और यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आपके वही होंगे परसेंट साइन डी, परसेंट साइन सी, परसेंट साइन एफ और परसेंट साइन एल डी, परसेंट साइन यू एंड परसेंट साइन यस। तो ये हमारे वही फॉर्मेट स्ट्रिंग होंगे जिसका हमने पहले जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये डबल कोट हमने लगाया, इसको बंद कर दिया, डबल कोट लगाया हमने बंद कर दिया, और ये देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एक तरीके का ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने भी वाले हैं। तो ये एक ऑपरेटर होता है, एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि बताता है एड्रेस ऑफ यहाँ पे वेरिएबल नेम। यहाँ पे जो कुछ भी वेरिएबल नेम लिखा रहेगा उस वेरिएबल नेम के में उस डेटा को रखना, उस वेरिएबल नेम में उस डेटा को रखना। आई होप बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही आगे एग्जांपल पे देखते हैं इसी बात को। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा एक, हमारे पास कोई, हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हमने लिखा वाइड मैन। लिखने के बाद दोस्तों हमने लिखा इंटीजर ए फ्लोट बी कैर सी। अब हम यहां पे एक मैसेज लिखते हैं प्रिंट ऑफ, हमने लिखा प्लीज इंटर एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। और इतना करने के बाद हमने अपने मैसेज को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और फिर हम यूज करते हैं स्कैनर फंक्शन का, हमने लिखा पर्सन साइन डी एड्रेस ऑफ, ये इंटीजर वैल्यू किस में है, ए में है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब देखते समझिए क्या, ये प्रिंटअप स्कैनर से पहले हमने क्या यूज किया है, प्रिंटअप का यूज किया है। ये प्रिंटअप का काम हमें पता है कि प्रिंटअप यहाँ पे क्या काम कर रहा है, केवल ना केवल एक मैसेज को प्रिंट कर रहा है। मतलब स्कैनर जो काम करेगा उससे पहले यूजर को बताना पड़ेगा कि आप कोई वैल्यू इंटर करो, अदरवाइज स्कैनर क्या करेगा, हमारी स्क्रीन टर्मिनेट हो जाएगी किसी वैल्यू के लिए, रुक जाएगी, और जब तक उसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक स्क्रीन आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए तो इस बात को समझिए, ये इसे मान लेते हैं कोई छोटा बच्चा हो, कोई छोटा सा बच्चा है, अब वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, अब बता नहीं रहा है किस वजह से नाराज है, अब नाराज हो गया भाई, कुछ काम नहीं कर रहा है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है, तो आप क्या सोचोगे, यही बोलोगे ना भाई कुछ बताओ किस वजह से तुमको परेशानी है। वैसे अगर वो नहीं बताएगा तो आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे देंगे। वैसे ही
अगर मान लो कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर में अचानक से उसकी स्क्रीन बदल जाए और कुछ ना लिख के आए तो आप क्या करोगे? समझ में नहीं आएगा, सोचोगे कहीं पर एरर हो रही है, कहीं पर फॉल्ट हो रहा है। आपको चीज़ों को भाई बनाने वाले को तो पता है कि किस वजह से रुका हुआ है, आपको नहीं पता है। लेकिन अगर मान लेते हो कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो जब अपने मोबाइल को ही आप चला रहे हो, आपके मोबाइल में अचानक से आपके स्क्रीन पर कुछ ना लिख के एकदम ब्लैंक हो जाए तो आप क्या सोचोगे? सोचोगे मोबाइल ख़राब हो गया है, फिर आप कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता ढूंढने लगोगे, मोबाइल को बंद करोगे, खोलोगे। लेकिन अगर वही मोबाइल की स्क्रीन एकदम चेंज ब्लैंक हो जाए, उस पर कहीं पर लिख के आ जाए प्लीज़ पिन योर चार्जर, अपने चार्जर को लगाओ, तो आपको समझ में आ जाता है ना कि इसको चार्जर की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं, वो मैसेज ना लिखा होता तो भी उसको चार्जर लगाना पड़ता है, लेकिन तब आपको पता नहीं लगता कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही देखो, यहाँ पे अगर हम प्रिंटअप को ना लिखते तो भी स्कैन अप काम करता, लेकिन प्रिंटअप लिखने से ये हमारा मोटिव क्लियर हो गया, जो कोई अदर थर्ड पर्सन इसको यूज कर रहा है उसको पता चलेगा कि अब हमें करना क्या है, अगला काम हमें क्या करना है। तो ये मैसेज हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इस बात को हमें थोड़ा सा समझना है। अब जैसे हम इसके बाद भी हम यूज कर सकते हैं, हमने लिखा प्रिंट ऑफ, प्लीज इंटर ए फ्लोट नंबर एंड कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे हमने मैसेज लिखा, ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपको पता है आप अपनी मैसेज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने लिख दिया स्कैनफ हमने लिखा %F%C एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी। दोस्तों ये रही बात। देखो यहाँ पे हमने स्कैनर का यूज़ किसी दूसरे तरीके से किया, यहाँ पे स्कैनर का यूज हमने किसी दूसरे तरीके से किया। यहाँ पे देखो हमने दो वेरिएबल का यूज एक साथ में किया, दो हमने फॉर्मेटेशन एक साथ लगाया, जैसा कि प्रिंटअप में हमने किया था। तो देखो यहाँ पे आप तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, तीनों को आप अलग अलग कर सकते हो, तो आपकी जैसे यूज करने की इच्छा आप वैसे कर सकते हो। वैसे एक यूज एक प्रोग्राम की या फिर सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भाई लेस टाइम वर्किंग हो, मतलब कम से कम समय में बन जाए, कम मेहनत लगे, बहुत ज़्यादा लाइन्स ना हो, बहुत कम मेमोरी कंज्यूम करे। तो इस तरीके से अगर एक लाइन में लिखना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है, अगर पॉसिबल हो तो। तो दोस्तों ये देखिए हमने क्या किया, इसको जिस तरीके से यूज़ किया, अगर यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ सी कर देंगे तो यहाँ पे एफ की वैल्यू चलेगी, सी की वैल्यू इसमें चली जाएगी। तो इसको सही एड्रेस पे लिखना ही आपको क्या करना है, यूज़ करना है। यहाँ पे आपको हमेशा इसको काम, अगर आप एक से ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आपको कामा से सेपरेट करना जरूरी है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, इस पर काम करेगा। अब आइए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इस बात को भी थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखो मान लेते हैं हमने एक इंटीजर ए, अब मेमोरी में क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारी मेमोरी है, इस मेमोरी में ए बी और सी नाम के तीन जगह भर गई, इतनी लाइन के फलस्वरूप ये हमने जो डिक्लेरेशन किया है, इस डिक्लेरेशन से इतनी मेमोरी में जगह भर गई और कुछ नहीं हुआ। और ये तीनों जगह पे कुछ अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू आगे रख गई, अब इस वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं है। इसके बाद हमने लिखा प्रिंटअप प्लीज इंटर एनी इंटीजर। यूजर को हमने बताया जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये मैसेज लिख के आएगा कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर, आप कोई इंटीजर नंबर क्या करिए, इंटर करिए। तो यूजर क्या करेगा, कीबोर्ड से कोई नंबर इंटर करेगा। यूजर जब कोई नंबर इंटर करेगा तो उस नंबर को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैनअप लिखा है। अगर आप स्कैनअप का यूज नहीं करेंगे और यूजर कोई वैल्यू इंटर करना चाहेगा तो नहीं होगा। तो मतलब स्कैनअप में जब कोई यूजर इंटर करेगा तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। और कहाँ पे जाएगी, एड्रेस ऑफ ए, तो ए का एड्रेस कहाँ पे है दोस्तों, ये है ना ए का एड्रेस। मान लेते हैं यूजर ने ए की जगह पे इनपुट किया 5, तो देखो जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा और इसका जो आउटपुट होगा कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले लिख के आएगा प्लीज इंटर एनी इंटीजर। इसके बाद यूजर क्या करेगा, कोई नंबर इंटर किया, जैसे मान लेते यूजर ने इंटर कर दिया 5, 5 करने के बाद यूजर अपनी इंटर बटन प्रेस करेगा
और फिर से प्लीज इंटर अ फ्लोट नंबर एंड अ कैरेक्टर, फिर एक दूसरा मैसेज आ जाएगा प्लीज इंटर ए फ्लोट नंबर एंड कैरेक्टर। और इसके बाद यूजर मान लेते हैं सर इंटर किया 3.14 एंड इसके बाद फिर यूजर को इंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसमें मान लेते हैं कैरेक्टर इनपुट कर दिया ए। अब देखो जब ऐसा कर देगा यूजर तो गेट से हमारी स्क्रीन टर्मिनेट हो जाएगी। अब ए बी सी के अंदर तीनों के अंदर हमारे में क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू चली जाएगी, इस पर चला जाएगा 5, इस पर चला जाएगा 3.14 और इस पर चला जाएगा ए। तो ये हुई ना बात, इस तरीके से डेटा क्या होता है इंटर होता है। आप इसके बाहर भी गेट सी एस लगाने से पहले प्रिंट भी करा सकते हैं तीनों को, इन तीनों नंबर को आप क्या कर सकते हो प्रिंट भी करा सकते हो, प्रिंट अप लिख के। अगर आप पर्सन साइन डी करते हो और ए करते हो तब ए के अंदर रखी गई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तब जो है ए के अंदर रखी गई वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों ये ए के अंदर क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये बात हमारे समझ में आ रही है किस तरीके से हमें प्रिंटअप का यूज करना है और किस तरीके से हमें स्कैनअप का यूज करना है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर पढ़ेंगे, वहाँ पर कई सिम्बल्स पढ़ेंगे, उनका यूज कैसे होगा उसके लिए हम अच्छे से समझते हैं। गुड बाय।